हम मुमरा में बड़ी ताकत से काम करने वाले हैं, क्योंकि इस देश में जातिवादी शक्ति बढ़ रही है, धर्म विद्वेष बढ़ रहा है, जो कुछ बातें की जा रही है वो इस देश के लिए हानिकारक है। ख़ास करके CAA का कानून जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है तो उसका धोखा पहचानना चाहिए। और इसलिए इकट्ठा होकर हम लोग सब लोग, सभी हिंदू मुसलमान जो इस देश से प्यार करते हैं, जो ये देश को एक संघ देखना चाहते हैं, उन सभी से अपील करने वाले हैं कि भी देश की एकता अखंडता बचानी है तो इस देश का संविधान और इस देश का गणतंत्र जिंदा रहना चाहिए, जिसको BJP मार रही है। और BJP को साथ कौन दे रहा है? शिवसेना और NCP, जो चुराई हुई घड़ी और चुराया हुआ धनुष बाण लिख के चल रहे हैं। तो 2-3 बड़े नेता आने वाले हैं, लेकिन एक की डेट हमें आज ही उन्होंने बताई कि महाराष्ट्र का आखिरी भाषण वो आके मुमरा में करेंगे, मुमरा के लोगों को संबोधित करेंगे, मुमरा के लोगों से बात करेंगे। वो नेता का नाम है शरद पवार। शरद पवार अपने पूरे लोकसभा का दौरा अब ख़त्म करेंगे। उनकी 110 सभाएं हुई है, उम्र 84, सभा 110, पूरे धूप में घूम रहे हैं। अभी भी उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उन्होंने कल कहा है डॉक्टर को कि कल से फिर मैं निकलूँगा प्रचार के लिए। तो वैसे शरद पवार जी जो अपने पिता समान हैं, अपने दादा समान हैं, वो आने वाले हैं। और मैं खास करके यहाँ के नवयुवक जो है, जो युवक है, उनको दावत देना चाहता हूँ कि आप घर में मत बैठिए। आपने मुमरा का दौर देखा है, 2009 के पहले का मुमरा और उसके बाद बदलता हुआ मुमरा आप सभी लोगों ने देखा है, जो आज 21 साल के, 25 साल के, 24 साल के हुए हैं। तो वो बदलता हुआ दौर याद रखिए, मुमरा और बदलने वाला है, यही रुकेगा नहीं, मुमरा और बदलने वाला है। तो हमको साथ दीजिए, क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है।